मुतालबात की मंजूरी के लिए इंजीनियर्स का पीली जैकेट पहनकर एहतजाज, इंजीनियर्स की महकमा मवासलात से चेयरिंग क्रॉस तक रैली, पंजाब असेंबली के सामने धरना नारेबाजी, टेक्निकल अलाउंस देने और अपग्रेड करने का मुतालबा, वजीर आबपाशी से मुजाकरात नाकाम, मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान, धरने के बायस मॉल रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। इस मुल्क में जब भी किसी को अपना मकसद हासिल करना पड़ता है तो उसे बाहर निकलना पड़ता है। अगर आपको अपनी आवाज़ ऐवान इक़्तदार तक पहुंचानी है, अरबाब इख्तियार तक पहुंचानी है, तो फिर उसके लिए आपको जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती। सर, अगर उन्हें लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं होगा तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम इंशाल्लाह नोटिफिकेशन लिए बगैर नहीं उठेंगे। हमारी जो सी एसोसिएशन है उसका एक वन पॉइंट एजेंडा है कि जिस तरह KPK के अंदर इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस मिला है, इंशाल्लाह हम लोगों ने भी टेक्निकल अलाउंस अब लेके जाना है। कातिल डोर से जिंदगी की डोर कटने का खदशा, बसंत मनाने के ऐलान पर जहां भर अफराद के वर्षा के जख्म ताजा हो गए, लाहौर में सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड, पाबंदी के बावजूद रवा साल 2 अफराद जहां भर 19 जख्मी हुए, 2501 मुकदमा दर्ज, 2600 अफराद गिरफ्तार हुए, हुकूमती कमेटी के फैसले के बाद हिकमत अमली तैयार करेंगे, DIG ऑपरेशन वकास नजीर। बसंत मनाने का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज, एडवोकेट सफदर शाहीन पीरजादा की हाईकोर्ट में दरखास्त, डोर फिरने से कीमती जानों का ज़िया और अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बसंत की इजाजत देने का हुकूमती इकदाम कलदम करार देने की इस्तदा, बसंत मनाने का हुकूमती फैसला गैर दानिशमंदाना है, नून लीग की रुकन असेंबली हिना परवेज भट्ट की पंजाब असेंबली में करारदाद, हुकूमत से बसंत मनाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। ख्याल से तो होना नहीं चाहिए, पाबंदी रहनी चाहिए, क्योंकि जो जानी नुकसान होगा, जिसके बच्चे जाएंगे, हाँ जी, तो जख्मी होगा, फौत होगा, बताए कौन जिम्मेदार है। ये फैसला अच्छा नहीं है, जो पाबंदी जो बेहतर थी उसमें अरबों रुपए का नुकसान होगा, अरबों रुपए का, और लोग ऊपर छत से इंजे गिरेंगे, कोई जख्मी हो रहा, कोई किसी गर्दन कटी है, क्या कौन जिम्मेदार? नहीं मनानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा नुकसान होता है। बसंत नहीं मनानी चाहिए, शहरी हुकूमत के फैसले पर फट पड़े, फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया, वकला बरादरी की भी बसंत मनाने की मुखालफत, खूनी खेल से इंसानी जाने जाया हो सकती हैं, हुकूमत अपना ऐलान वापस ले वरना सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आम शहरी मियां खलील का वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और वजीर कानून राजा बशारत को लीगल नोटिस, धाती डोर से बिजली के तनसीबात मुतासर होने का खदशा, लेस्को हुकाम ने भी सर जोड़ लिए। हमजा शहबाज से चपकलिश का मामला, डिप्टी मेयर वसीम कादर ने जुबान खोल दी, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ उन्हें भी अफसोस है, वसीम कादर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, नून लीग छोड़ दी, जिस पार्टी में कारकुनों की इज्जत होगी वहां जाऊंगा, पार्टियों में फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं, कुछ रोज में मामलात वाजे हो जाएंगे। ब्लॉक हमेशा पार्टियों में बन जाते हैं जब हालात ऐसे होते हैं, आप अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इसको देखें तो आपको नज़र भी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ होगा। बल्दियात के लिए पहले भी कुछ पार्टीज कोशिश कर रही थी कि यहां पे लाहौर में अपने ग्रिप करें, तो अब देखते हैं क्या मामला बनते हैं। जाली अराजी स्कैंडल, मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट पर हम, मामला मुदई का नहीं अदालतों के साथ फ्रॉड हुआ है, आप लोगों ने अदालती फैसलों का मजाक बना रखा है, जस्टिस अली अकबर कुरैशी का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मुकालमा, दो मुलजिमान इंतकाल कर गए, 7 ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए, मोहलत दी जाए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, मुतअद्दद छापे मारे मगर मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस आपने घर बैठकर ही छापे मारे होंगे, जस्टिस अली अकबर कुरैशी कल तक मुलजिमान को हर सूरत गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। पैरागॉन के डायरेक्टर नदीम जिया की FBR में भी तलबी, 2017 के टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर शो कॉज नोटिस जारी, नदीम जिया को 3 जनवरी को तलब कर लिया। सरकारी स्कूलों के इनरोलमेंट में खाते खा कमी, लाहौर के 15 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को शिफ्ट कर दिया गया, स्कूल्स में 8 प्राइमरी और 7 मिडिल स्कूल शामिल, जगह की कमी के बाइस स्कूलों को शिफ्ट किया गया, एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों से मुतालिक शिकायत की ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम भी मुतालिक करवा दिया।
सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी का स्कूलों में स्पोर्ट्स पीरियड बहाल करने का ऐलान। पहले मरहले में सरकारी फिर निजी स्कूल्स में स्पोर्ट्स पीरियड शुरू किया जाएगा। हर स्कूल कम अज कम एक खेल का कोच लाजमी रखेगा। सर्विस स्टेशन के बाद घरों में भी पाइप से गाड़ी धोने पर पाबंदी आई। अदालती अहकाम पर वासा ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। इन्फोर्समेंट मुमकिन बनाने के लिए वासा का वाटर पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। पहले मरहले में वार्निंग, दूसरे मरहले में चालान होंगे। तहरीके इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी के वालिद की नमाज जनाजा फैसल टाउन में अदा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वजीर इत्तला मियां असलम इकबाल और चौधरी जहीरुद्दीन समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की भी एजाज चौधरी के घर आमद। एजाज चौधरी से वालिद के इंतकाल पर इजहार ताजियत, फातिहा खानी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आमद। यूनिवर्सिटी के नए मोहम्मद अली जिना ब्लॉक का इफ्तिताह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि जिस इदारे ने तालीम दी हो उसे भूलना गुनाह है। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आमद। सनतकारों का 450 अरब रुपए के रिफंड का मुतालबा। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवाब अपने सनतकारों को मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। भारतीय फौज का नीते कश्मीरियों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल शर्मनाक है। बेगुनाह अफराद पर चलने वाली गोली खेते को अम से दूर ले जा रही है। सीपैक पाकिस्तानी मईशत के लिए लॉन्चिंग पैड है। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। दो करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तानी बच्चों की काबिलियत बरतानिया के तलबा से कई गुना ज्यादा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब। बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर का पहला कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब ने 297 तलबा में डिग्रियां तकसीम की। 14 तलबा को गोल्ड मेडल्स और 12 को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। और हॉकी वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त के आफ्टर शॉक्स बरकरार। मुआवन कोच जेहान बर्ट और दानिश कलीम भी मुस्ताफी हो गए। कोच तो किरदार मैनेजर हसन सरदार पहले से ही मुस्ताफी हो चुके। पीएचएफ का नई टीम मैनेजमेंट तश्कील देने का फैसला। कमर इब्राहिम को हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है।